हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके गाइडेंस। इस चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। एंड अगर आप चाहते हो कि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिलते रहें जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इसरो रिक्रूटमेंट के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी आई है, टोटल 80 वैकेंसी है। किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है देख लेते हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल एंड साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी निकली है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए भी 35 वैकेंसी है एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल 80 वैकेंसी है। ओके, एज लिमिट देख लेते हैं। मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर एज ऑन 5 अक्टूबर 2017। ओके, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर आपने बीई या बीटेक किया है इन फर्स्ट क्लास विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स, या फिर सीजीपीए किया है 6.84 मार्क्स आपके होने चाहिए आउट ऑफ 10, देन आप बिल्कुल एलिजिबल हो ये पोस्ट के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है बीई बीटेक के लिए इसरो की तरफ से। इसकी पे स्केल भी काफ़ी अच्छी है, 56,100 है पर मंथ, प्लस आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, एचआरए, डीए और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती है सेल्फ के लिए, डिपेंडेंस के लिए, पेंशन जो नया स्कीम आया है वो सब आपको सारे जो उनके इसरो के अंडर और गवर्नमेंट के अंडर आता है सब कुछ मिलेगा। ओके, एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। जर्नल के लिए 100 रुपये भरने होंगे, और जो एससी, एसटी, वुमन, एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और जिन्हें फ़ी भरनी है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से भर सकते हैं। नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एसबीआई चालान के थ्रू भी आप भर सकते हो। जब आपका चालान जनरेट हो जाएगा उसके विदिन 3 डे में आपको एसबीआई बैंक में जाके कैश में भरना होगा। ओके, इसका जो डिटेल में कैसे आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी है ये सब कुछ नोटिफिकेशन में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो ज़रूर नोटिफिकेशन में जाके पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जब आप उसमें क्वालिफाइड कर दोगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा आपका। रिटर्न टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग है, उसका जो पूरा प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न क्या होंगे, सिलेबस क्या होंगे, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रीवियस पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, ताकि आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है। अभी एग्जाम डेट अपडेट नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप इसका फॉर्म भरने के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन। एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम। देखिए ये सारे सेंटर उन्होंने दिए हुए हैं। जो सेंटर आपके हिसाब से ईजी होगा और नियर बाय में होगा अब उसको सेलेक्ट कीजिए फॉर्म भरते वक्त, ताकि आपको एग्जाम सेंटर वहीं पर आए। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं फ्रेंड। 15 सितंबर 2017 से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2017, तो इससे पहले ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और इसका एग्जाम डेट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन लिंक दिया हुआ है, इस पर ज़रूर जाइए। जैसे मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि नोटिफिकेशन लिंक ज़रूर पढ़िए, उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है, कैसे आपको फ़ीस भरनी है, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन, हर एक चीज़ उसमें अच्छी तरह से दिया होता है। यह पढ़ोगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी फॉर्म भरते वक्त के लिए। ओके, कैसे अप्लाई करना है उसका भी मैंने डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है और वेबसाइट लिंक भी दिया हुआ है। देखिए हम इस पे हाउ टू अप्लाई पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन फॉर्म, ये उनके लिए है जिन्हें फ़ी नहीं भरनी है एंड आपने रजिस्ट्रेशन पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए ये आ जाएगा पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद में ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो आप फिलअप करके डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लिंक पे क्लिक करके, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना सारा डिटेल भरिए। आपको आईडी मिलेगा, आपका नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म भरिए, एप्लीकेशन फ़ी भरिए। देन उसके बाद में वो जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले लीजिए।
वो आपको आगे काम आएगा। सो उसका प्रिंट आउट लेके आप ज़रूर रख लीजिए, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है इसका, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी आपको। एंड आई होप ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकला है इसरो की तरफ से। तो जिसका क्वालिफिकेशन मैच होता है और जो इंटरेस्टेड है, ज़रूर अप्लाई कीजिए इस पोस्ट के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट।